हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशान। तो गाइज़, ये मेरे पास है 2018 का पेपर और मैं आपको ये पेपर सॉल्व कराऊंगा कंप्लीट और बहुत ही बढ़िया तरीके से। इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और आपको पूरे सारे क्वेश्चन ब्रीफ में बताऊंगा कैसे कैसे ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत तरीके से ये वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट ये पेपर में कैसे कैसे आपको बोर्ड में करना है वो भी साथ में बताऊँगा और ये पेपर भी सॉल्व कराऊँगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये पेपर आप देख रहे हैं, ये मेरी जो है अलमारी में पड़ा था और इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब सी है। ठीक है, पर इसमें आपको सारा क्लियर दिखेगा। 2018 का पेपर है, क्योंकि कमेंट आए थे मेरे पास काफ़ी कि भैया वीडियो बनाओ, 2018 साइंस का जो बोर्ड पेपर है उसे सोल्व कराओ। तो फिर वीडियो लेकर आया मैं आपके लिए। ठीक है, देखो क्या हालत हो रही है इस पेपर की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आए सेक्शन ए पर और मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक कराऊंगा। ठीक है, और अगले पार्ट में 10 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है सेक्शन ए का, और इसमें बोल रहा है कि अ मेंटल एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ब्रीडिंग पी प्लांट बियरिंग वॉयलेट फ्लावर विद पी प्लांट बियरिंग वाइट फ्लावर, व्हाट विल द रिजल्ट इन F1 प्रोगेनी। ठीक है, तो ये इसमें कह रहा है कि हमारे पास एक क्या है वॉयलेट फ्लावर है और एक हमारे पास क्या है वाइट फ्लावर है। इसको मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ कॉपी पर। ठीक है, मैं कॉपी भी लाया हूँ साथ में। तो क्या कह रहा है कि एक तो हमारे पास वॉयलेट है, ठीक है, और एक है हमारे पास वॉयलेट है और एक हमारे पास क्या है वाइट है। तो जब मैंने इनके क्रॉस कराई F1 जनरेशन में, तो मेरे पास एक फ्लावर निकल कर आया जो कि क्या था, वॉयलेट था, क्योंकि वॉयलेट क्या है यहाँ पर डोमिनेंट करेक्टर, डोमिनेंट करेक्टर। ठीक है, तो जो मेरे पास वो निकल कर आएगा, व्हाट इज द रिजल्ट इन F1 प्रोगेनी, तो द रिजल्ट इन F1 प्रोगेनी इज वॉयलेट फ्लावर। ठीक है, आपको ये करना। अगर F2 का पूछ लेता तो क्या होता यहाँ पर, फिर हमें वॉयलेट वाइट और वॉयलेट वाइट इनकी दोनों की करानी पड़ती क्रॉस आपस में। जैसे सपोज करो ये वाला F1 है, तो मैं F1 क्रॉस F1 कराऊंगा। तो जब आपस में क्रॉस करेंगे ना, तो हमारे तीन तो निकलेंगे वॉयलेट और एक निकलेगा वाइट, तो ये हमारा आएगा 3:1 में। NCERT में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आपको सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। राइट द एनर्जी कन्वर्जन डेट टेक प्लेस इन अ हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो पावर प्लांट में एनर्जी का कन्वर्जन क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, पहले तो डैम होता है। ठीक है ना, तो डैम में वाटर कौन सी फॉर्म में होता है, मैं यही लिख देता हूँ। डैम में वाटर होता है पोटेंशियल की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी। एक हाइट पर रहता है पानी, ठीक है, वहाँ से हम पानी को गिराते हैं, फिर वो काइनेटिक में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी। पानी जब फ्लो करेगा तो काइनेटिक में होगा, जब वो काइनेटिक में फ्लो करेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी किसकी इंक्रीज करेगा, वहाँ पर अगर हम कोई टरबाइन लगाएंगे तो टरबाइन, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख दिया। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन किस में कन्वर्ट होगी आपकी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। थर्ड पर बात करते हैं, इफ द इमेज इज फाउंड आर द स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन द फ्रंट ऑफ इट ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश। ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ द मिरर, ऑलवेज इरेक्ट होगा और डिमिनिश होगा, तो ये कौन सा मिरर है और हमें इसका क्या बनाना है डायग्राम। ठीक है, तो आपने केस पढ़े होंगे कि किसमें आपका इरेक्ट होता है और डिमिनिश होता है। तो अगर मैं इरेक्ट डिमिनिश की बात करूं, तो इसका आंसर जो है मैं यही लिख देता हूं, आंसर इसका आंसर हमारा जो मिरर है वो है कॉनवेक्स मिरर। ठीक है ना, कॉनवेक्स मिरर इसका आंसर है। और डायग्राम देख लो, यहाँ पर ये कॉनवेक्स मिरर है, अंदर की तरफ पॉलिश है, ऑब्जेक्ट रखी यहाँ, एक ऐसे गई ऐसे चलेगी फोकस से, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ये F है, एक ऐसे गई, ठीक है, पीछे आएगी नहीं, आगे कहीं पर फॉर्म्ड होगी, तो ये क्या है वर्चुअल, डिमिनिश है, इरेक्ट भी है। डिमिनिश का मतलब उससे साइज उसका छोटा, तो ये आपका इसका आंसर हुआ, थर्ड वाले का आंसर है ये। ठीक है, तो आप ये डायग्राम बना देना। ठीक है, फोर्थ देखिए जरा, ये कह रहा है कि कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग विद एक्सिस कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, 443 केल्विन गिव एन अनसेचुरेटेड कंपाउंड वाई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको रिएक्शन बना के सोल्व कराऊंगा। ठीक है, कंपाउंड एक्स है, हीटिंग करा हमने
और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ उसने अनसेचुरेटेड दिया, अनसेचुरेटेड दिया उसने वाई, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अनसेचुरेटेड है, या तो ये इथाइन होगा या ये इथीन होगा, ठीक है ना, क्योंकि सॉरी जब ये रिएक्शन होती है तो वहाँ इथाइन या इथीन ही फॉर्मड होता है। रिएक्ट विद द सोडियम मैटर इवॉल्व कलरलेस गैस जेड, आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड रिएक्शन और रोल ऑफ द H2SO4। तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर H2SO4 के साथ जो रिएक्शन करता है वो आपका ये NCERT में वाला बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको बता रखा होगा ये। तो जो रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ और अनसेचुरेटेड कंपाउंड निकालता है, तो ध्यान रखना वो एल्कोहल है, CH3 CH2, सॉरी CH2OH, तो ये एल्कोहल है CH3CH2OH। तो इसने किससे रिएक्शन करी, ऑन हीटिंग विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, हीट का साइन लगा देंगे, तो ये एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है हमारा इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर एक वाटर यहाँ पर निकल जाता है, तो ये हमारा क्या है, एल्कोहल, ठीक है ना, अनसेचुरेटेड कंपाउंड वाई, तो ये हमारा वाई हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक्स, और क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है एक्स आल्सो रिएक्ट विद द सोडियम मेटल, तो एक्स ये वाला फिर से हमारा रिएक्ट करता है सोडियम मेटल से, तो CH3CH2OH किससे रिएक्ट कर रहा है, सोडियम मेटल से, Na से, तो क्या फॉर्म करेगा ये, तो जब ये CH3CH2OH सोडियम से रिएक्ट करेगा तो ये एच यहाँ से निकल जाएगा और ये Na इस तरफ आ जाएगा, तो CH3CH2ONa, ठीक है, और यहाँ पर H2 हमारी निकल जाएगी, तो ये क्या कह रहा है, रिएक्ट विद द एंड इवॉल्व द कलरलेस गैस जेड, तो ये हमारी जेड हो गई कलरलेस जेड, तो एक्स एल्कोहल है, वाई हमारा क्या है इथीन, और जेड क्या हमारी H2 गैस, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या है भाई, यहाँ पर अगर हम बात करने लगे तो रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर, नेम द वन गैस्ट्री रिसेप्टर एंड वन ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्रेन, तो हमें क्या है, एक तो गैस्ट्री रिसेप्टर बताना है, ठीक है, और एक हमें बताना है कि ये ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर बताना है कि क्या होते हैं, तो अगर मैं गैस्ट्री रिसेप्टर करूँ मतलब टेस्ट के लिए, तो वो क्या होगा हमारा टंग, तो गैस्ट्री रिसेप्टर का आंसर क्या होगा, टंग, ठीक है, और अगर मैं दूसरे की बात करूँ इसकी, तो ये ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर होता है हमारा नोज, ठीक है ना, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो चुका है टंग और हमारा जो है नोज। अब बात करते हैं बी की, राइट ए एंड बी, अच्छा यहाँ पे एक फ्लो हो रहा है डेंड्राइट से ए फिर बी फिर एंड पॉइंट ऑफ न्यूरॉन, तो मैं यहाँ बताना है कि ए क्या है और यहाँ पर बी क्या है, ठीक है, तो अगर मैं बी की बात करूँ तो एंड पॉइंट से पहले आता है एक्सोन, तो ये तुम्हारा हो गया एक्सोन और ये हो गया हमारा साइटोन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन चलते हैं अब सिक्स की तरफ, ठीक है, चलो अब यहाँ कह रहा है स्टेट हाउ वुड यू ज्वाइन द थ्री रेसिडेंट, NCERT क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कर लिया करो NCERT क्वेश्चन भी, ठीक है, एग्जाम में आता है बोर्ड में, 2018 का है, और जो आगे की तैयारी कर रहे हैं 2020 की, तो वो जो है NCERT क्वेश्चन जरूर करके चले। हाउ वुड यू कनेक्ट द 9 ओम रेजिस्टर सो दैट द इक्विवेलेंट हमारे कितना बैठे, 13.5 ओम और 6 ओम, तो मेरे पास क्या है 9 ओम के कितने हैं, यहाँ पर है 9 ओम के मेरे पास 3 रेसिस्टर है 9 ओम के, तो 9 ओम 9 ओम और 9 ओम के मेरे पास क्या है 3 रेसिस्टर, अब मुझे क्या बनाना है, पहला 13.5 और दूसरा क्या है 6 ओम, मतलब ये 9 ओम 9 ओम 9 ओम मेरे पास 3 रेसिस्टेंस है, और मुझे इनको इस तरीके से जोड़ना है कि इनका जो आंसर बैठे वो 13.5 और 6 ओम बैठे, ठीक है ना, तो कैसे जोड़ें, इस सबको सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना 9 9 9 कितना 27, तो 6 तो फिर भी नहीं आने वाला, तो देखते हैं आगे क्या करेंगे इसमें, तो अगर मैं 13.5 की बात करूं तो एक 9 ओम का तो मुझे सीरीज में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 9 प्लस करेंगे तो जब ही 13.5 आएगा, और अगर मैं 9 और 9 को मैं अगर पैरेलल में देखूं तो दोनों की सेम वैल्यू, 9 का आधा होता है 4.5, तो अगर मैं इसका डायग्राम ऐसे कर दूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा, चेक करते हैं एक बार, 1/9 + 1/9 ये होता है 9, 1 + 1 2/9, और ये 1/r चल रहा था हमारा इधर,
और अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 9/2 डेट इज़ 4.5, और 4.5 के सीरीज़ में क्या है प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 13.5। तो मेरा आंसर आ चुका है। इसका मतलब हमें क्या करना है, दो एक को सीरीज़ में फिर दो को पैरेलल में, 13.5 आ जाएगा। सिक्स का देखते हैं, सिक्स का देखो सिक्स ओम कैसा आएगा। मेरे पास कितने थे, 9 9 9 के तीन रेसिस्टेंस थे। अब मैं इनको कैसे कनेक्ट करूं, तो सीरीज़ में करेंगे सबको तो मेरा क्या आंसर आएगा 27, ठीक है। पैरेलल में करेंगे तो 3 आंसर आएगा, तो 6 तो मेरा फिर भी नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूं, इन दोनों को तो मैंने पैरेलल में कर लिया और इसको मैं सीरीज़ में कर लिया, देखूँ क्या आंसर आएगा मेरा। देखो 9 9 होता है हमारा क्या 18, और 1 9 किस में आ गया हमारा 9 9 18, और 1 9 1 9 1/18 प्लस 1/9 एलसीएम कितना आ गया 18, 1 + 2 3/18 और 1/6 रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आंसर आएगा 6। तो क्या करेंगे इस तरीके से डायग्राम, दो को सीरीज़ में और उन दो को सीरीज़ के वाले के एक साथ पैरेलल में लगा देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो चुका है पहला। और वाला करते हैं, राइट जूल लॉ ऑफ हीटिंग एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो इसको आप डिफाइन कर रहा हूँ मैं यहीं पर ही, इट इज़ डिफाइन एज अ स्क्वायर ऑफ द करंट एंड रेसिस्टेंस एंड टाइम विच आर मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बी जो है, ये जो है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रीवियस जो आपके जितने पेपर है उनमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन ये सोल्व करा रहा हूँ। तो गाइस क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो गाइस क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू लैंप, वन रेटेड 100 वाट 220 वोल्ट, अदर इज 60 वाट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड पैरेलल, ठीक है। और इसे बोला कि तुम्हें करंट ड्रॉन करना है, टू बल्ब में कितना करंट ड्रॉ होगा अगर टोटल सप्लाई 220 वोल्ट है। तो एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ, एक बल्ब ये रहा, एक बल्ब ये रहा, दोनों कनेक्ट है किस में 220 वोल्ट पर। एक के पास 100 वाट का है और एक है 60 वाट का, दोनों 220 से जुड़े हुए हैं। तो मुझे बताना है टोटल में कितनी हमारा आई की वैल्यू जा रही है। तो ये क्या पी, तो ये क्या पी वन, इसे क्या मान लें पी टू। तो पी इक्वल टू वी आई, पी क्या 100 वाट, ठीक है। वी की वैल्यू क्या है 220, तो आई इसको मान लें आई वन, मतलब सपोज करो यहाँ पर आई वन करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पर आई टू करंट फ्लो कर रहा है। तो ये पी वन के लिए कर रहे हैं, तो फोर बल्ब फर्स्ट, ये बल्ब क्या है फर्स्ट, और ये बल्ब कौन सा है सेकंड। तो फोर बल्ब फर्स्ट, आई वन की वैल्यू कितनी होगी 100/220। फोर बल्ब सेकंड, ठीक है, पी इक्वल टू वी आई 60 220 वही सेम इंटू आई टू, आई टू कितना हो गया 60/220। दोनों करंट जाकर मिलेंगे तो टोटल करंट कितना हो जाएगा आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। आई वन कितना है 100/220, 60/220, 160/220, 16/22, 8/11, 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा 8/11, ठीक है। 2 8 16, 200 to 202, तो ये आंसर आएगा 8/11 एम्पियर, ठीक है, 8/11 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 7। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, पहला ये है कि तुम्हारा जो है नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे ओवर ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। और इसमें दूसरा लॉ क्या होता है, एंगल ऑफ इमरजेंट, आई इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट के होता है, ठीक है ना। ये आपको मिल जाएगा, एक्सप्लेन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ARCYV। और अगर हम इसको डिफाइन करने लगे, इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। और इसमें मीडियम फर्स्ट क्या होता है, इसमें हमेशा एयर, और मीडियम सेकेंड इसमें कुछ भी हो सकता है, इसे मीडियम सेकेंड मान लें। राइट एन एक्सप्रेशन, ये रहा एक्सप्रेशन C/V।
What do you know power of lines? Power of lines is defined as the P equal to 1 upon F. तो it is the reciprocal of the focal length. और ऐसा यूनिट क्या है इसकी पावर की? डायप्टर. डायप्टर है इसकी SI यूनिट. आई स्टूडेंट यूज अ फोकल लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर अनादर -20. व्हाट इज द नेचर ऑफ द पावर इन ईच केस? व्हाट इज द नेचर? तो अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट यूज फोकल लेंथ, तो F अगर 40 की यूज कर रहा है तो प्लस है, तो कौन सा है? कौन वैक्स. और पावर क्या होगी? P इक्वल टू सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का फॉर्मूला ध्यान रखना, 1/F नहीं होता, 100/F होता है, जहाँ पर अगर F तुम्हारा सेंटीमीटर में है. तो अगर मीटर में है तो क्या होता है? 1/F. ये सेंटीमीटर में तो 100/F और 100/40, ये आ गया आपका 5/2 आंसर. ठीक है, तो गाइज अब जो ये इसका सेकंड पार्ट है कि अनादर जो हमारा लेंस है वो 20 सेंटीमीटर का है, तो मैं यहाँ पर आपको सोल्व कर दूँ. तो अनादर लेंस हमारा 20 सेंटीमीटर का, तो एफ कितनी है हमारी? माइनस का 20. ठीक है, माइनस का 20 सेंटीमीटर का. पी जो निकालना है वो 1/F निकालना है. अगर F सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है, तो ये करना है. अगर सेंटीमीटर में है तो ऊपर 100 कर देना. तो 100/-20, 0 से 0, 10/25, तो ये आ गया माइनस का 5 डायप्टर. और माइनस है तो कौन सा लेंस है? कौन केव. माइनस हमेशा कौन केव में होता है और प्लस कौन वैक्स में होता है, चाहे वो लेंस है चाहे मिरर है, कुछ भी हो. ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या आ गया? माइनस का 5 डायप्टर. नेचर और पावर सबकी बता दी. इसकी पावर क्या? माइनस का 5D और इसकी पावर क्या है? 5/2D. ठीक है, पहले वाले का नेचर क्या? प्लस वाले का कौन वैक्स और माइनस वाले का कौन केव. अब नेक्स्ट पर चलते हैं, 8th क्वेश्चन पर. 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला थायराइड, पिट्यूटरी और पैनक्रियाज, मुझे इनके हार्मोन लिखना है, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं, और स्पेसिफाई द फंक्शन, इनके फंक्शन लिखना है. तो थायराइड जो होता है, ठीक है, थायराइड जो होता है वो थायरोक्सिन करता है, THYROXIN. ठीक है, तो थायराइड जो होता है वो थायरोक्सिन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन. और ये बॉडी का, और ये बॉडी का जो होता है ये फैट को रेगुलेट करता है, और बॉडी में जो है आपका जितने भी फैट मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होते हैं बॉडी की, ये सबको रेगुलेट करता है. तो इसमें क्या आएगा? इट रेगुलेट फैट एज वेल एज मेटाबॉलिक एक्टिविटी. ठीक है ना, आप ये ले सकते हो इसमें. नेक्स्ट की बात करें पिट्यूटरी. पिट्यूटरी हमारा है ग्रोथ हार्मोन. और इसमें आएगा इट इज यूज्ड, दिस हार्मोन इज यूज्ड टू डेवलप द बॉडी एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी. ठीक है, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ द बॉडी. तो इसलिए आप इसमें पिट्यूटरी में ये ले सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन है तो डेवलप करेगा और बॉडी की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज करेगा. पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करता है. ठीक है ना, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाज. और इंसुलिन का जो फंक्शन होता है, नेम द हार्मोन इंसुलिन, और इसका फंक्शन क्या होता है? इट रेगुलेट, फंक्शन की बात करें तो इट रेगुलेट व्हाट? इट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल. ब्लड शुगर लेवल. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे वहाँ पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ समझ आई है क्या चीज़ समझ नहीं आई है. राइट द वन मेन डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और विच स्पेसीज लाइक टू हैव द कंपेरेटिवली बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल? द वन प्रोड्यूसिंग असेक्सुअली और अदर इज सेक्सुअली. गिव द रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर. तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि हमें पहले तो डिफरेंस लिखना है सेक्सुअल और सेक्सुअल का. तो पहला पॉइंट क्या होगा? यू हैव टू राइट द डिफरेंस. और डिफरेंस हमेशा ऐसे लिखा करो जो है सेक्सुअल और ए सेक्सुअल, इस तरीके से. यहाँ पे सेक्सुअल के पॉइंट, यहाँ पर सेक्सुअल के पॉइंट. और कह रहा कि यहाँ पर हमें कौन सी स्पीसीज है जो कि ज़्यादा चांस है सर्वाइवल के, असेक्सुअल या सेक्सुअल. तो अगर एक सिंपली बात करें, जो असेक्सुअल में क्या होता है? वन पेरेंट. ठीक है ना, ये मेन डिफरेंस है असेक्सुअल में, वन पेरेंट. अच्छा, ये ए लिख देते हैं फिर. असेक्सुअल में क्या है? वन पेरेंट. और सेक्सुअल में क्या है? टू पेरेंट्स. ठीक है, इसमें जो है गैमेट्स असेक्सुअल में फॉर्म्ड होते हैं. ठीक है ना, एक मेल गैमेट्स होता है इस तरीके का स्पर्म, एक फीमेल गैमेट्स होता है एग. ठीक है, तो मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं इसमें, मेल और फीमेल गैमेट्स.
तो असेक्सुअल में क्या है वन पेरेंट और सेक्सुअल में क्या है टू पेरेंट्स। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कौन सी स्पीसीज ज़्यादा कंपेटिव बेटर चांस है, तो ये आंसर है आपका सेक्सुअल, क्योंकि सेक्सुअल में क्या है टू पेरेंट इन्वॉल्व है, एक मेल और एक फीमेल, और जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलेंगे तो एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड होगा जिसमें वेरिएशन थोड़ा ज़्यादा होगा, जिसमें वेरिएशन थोड़ा ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतना ज़्यादा जो है किसी भी इंडिविजुअल के जो सर्वाइवल चांस है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको बस लिख देना है अपनी लैंग्वेज में, मैंने आपको समझा दिया। अब आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 10th हमारा, और फिर आगे के क्वेश्चन मैं सेकंड पार्ट में डालूंगा। ठीक है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का। जब बात करते हैं, हमने बात करी 10th की, और स्टार्ट करते हैं ए से। लिस्ट द फैक्टर ऑन विद द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन द शेप ऑफ द वायर डिपेंड। तो हमें ऐसे फैक्टर बताने हैं कि जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है ना, और शेप ऑफ द वायर, तो वायर की शेप क्या है, लेंथ। तो आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और आर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बस आपको ये चीज़ लिखनी है जो कि वायर की शेप पर डिपेंड करता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। तो सेकेंड पार्ट में बात करता है वाई मेटल आर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, ग्लासेस अ बैड कंडक्टर। क्योंकि मेटल में जो होते हैं वो होते हैं फ्री आयंस, मेटल हैव फ्री आयंस, और अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास है उनके फ्री आयंस नहीं होते, उनके जो आयंस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। तो जहाँ फ्री आयंस हैं वहाँ पर आपका करंट फ्लो होगा। तो आपको लिखना है मेटल्स है फ्री आयंस, वेयर द ग्लास डज नॉट हैव द फ्री आयंस, डेट्स वाई मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बस फ्री आयंस की वजह से होता है। वाई एलॉय आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, बिकॉज एलॉय हैज़ हाई रेसिस्टिविटी। ठीक है ना, रेसिस्टिविटी जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हीट, और रेसिस्टिविटी रेजिस्टेंस में फ़र्क कुछ नहीं होता। रेसिस्टिविटी मतलब किसी भी एक मटेरियल की अपनी रेसिस्टिविटी होती है, और रेजिस्टेंस हम खुद लगाते हैं। तो रेसिस्टिविटी जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा हीट, और जितनी ज़्यादा हीट उतना इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में यूज होता है। तो आपको लिख रहा है एलॉय हैज़ हाई रेसिस्टिविटी एंड एलॉय डू नॉट ईजिली ऑक्सीडाइज, तो डेट्स वाई दिज आर यूज इन अ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। अब देखते हैं 10th का और पार्ट तो नहीं है, नहीं। तो 11th से मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा जो है नेक्स्ट वीडियो पे, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दें, क्योंकि नया पार्ट आते आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नए पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।